हाय एवरीवन, वेलकम टू मधुरिमास लाइफस्टाइल। आज का ब्लॉग है मेरी बेटी के फोर्थ बर्थडे का। कुछ ज़्यादा नहीं किया था, बस ऐसे ही थोड़ा सा जो हमने सेलिब्रेट किया था अभी घर पर, तो बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा कुछ उसके फेवरेट खाना बनाया था, कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे और एक पार्क गए थे, तो बस आज के ब्लॉग में वही सब आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए ये मॉर्निंग में अभी ये उठी थी, तो वैसे रोती नहीं है कभी, बाजार जब रोते हुए उठी थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था, तो उसको थोड़ा सा पैम्पर चाहिए था मम्मी का। और मेरे को आप इग्नोर कर दीजिए, बस जिस उठी थी तो थोड़ा सा रूम भी मैसी हो रहा है एंड मैं भी बहुत गंदी लग रही थी। तो मुझे मैं कोई ऐसे सुबह से उठी थी तो कोई मेकअप या फिर मैंने बाल कुछ ऐसे नहीं किए थे, तो बस यही मॉर्निंग का स्टार्ट हुआ है। तो बस मैं उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही हूँ, उसको फील करा रही हूँ कि आज उसका बर्थडे है। तो बस अभी थोड़ा बड़ी हो गई है तो सब कुछ समझने भी लगी, तो बस यही कुछ बलून्स वगैरह उसके लिए ब्लो किए थे। और बस अभी मैं उसको उठा के लेके आई हूँ, तो बस जस्ट शी इज़ प्लेइंग विद हर बलून। तो चलिए मैं अभी उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तब तक वो प्ले कर रही है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ न्यूटेला चॉकलेट ब्रेड, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं यही बना रही हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट में। कुछ रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस ऐसे ही सिंपल ब्रेड को सेक के उसके ऊपर स्प्रेड लगा दूँगी, बस उसका न्यूटेला ब्रेड रेडी हो जाएगा। तो उसको गिफ्ट में मिला था ये गिटार विद माइक, मेरी फ्रेंड ने उसको गिफ्ट दिया था, वो सुबह से आके उसको देखी गई थी, सुबह से एंजॉय कर रही है, गाने गा रही है। सुनिए आप उसके सॉन्ग्स, वो खुद से ही कंपोज करके खुद से ही सिंग कर रही है। एंड मेरी वन ऑफ फ्रेंड ने ये मेकअप बॉक्स दिया था, ये किड्स फ्रेंडली मेकअप बॉक्स है, इसमें सारा सामान बच्चों के लिए ही है। और मेरी डॉटर को सी लव्स मेकअप, सो उसने मेरी बेबी को ये मेकअप किट दिया था, तो इसको भी उसने बहुत पसंद आया। उसको थैंक यू आयुषी, थैंक यू कुनमुन, बहुत पसंद आया आप दोनों के गिफ्ट बेटू को। पूरा किड्स फ्रेंडली मेकअप है ये सब, अमेजोन पे है, अगर आपको चाहिए तो आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। एंड ये किचन सेट बेटू के पापा ने बेटू के लिए बर्थडे प्रेजेंट पहले ही डिलीवर हो गया था, तो बच्चे तो मानते नहीं हैं, तो इसके लिए हमने पहले ही इसको सेट कर दिया था, बट इसका बर्थडे प्रेजेंट था उसके लिए हमने एक और गिफ्ट लाया था। इसके बाद मैंने ये बार्बी केक बनाया था बिकॉज वो डिमांड की थी कि उसको बार्बी केक बनाना उसके बर्थडे पे। इसके बाद अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, तो मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लहसुन और अदरक को सौते कर रही हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ खीर। तो यहाँ पर मैंने जो चावल हैं, तो चावल मैं ऑलरेडी बना के रखी थी, बॉयल्ड राइस को थोड़ा सा मैश करके मिक्सी में पीस कर उसको मैंने दूध में बॉयल करने के लिए रख दिया है। पूरा पेस्ट नहीं बनाया था, बस जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा तोड़ लिया था। और इसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है इलायची का पाउडर। यहाँ पर मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं, पूड़ी का आटा मैंने लगा लिया है। मैं ऐसे आपको कोई पर्टिकुलर रेसिपी नहीं दे रही हूँ, मेरा एक और चैनल है
जहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन अदरक सौते हो गया था, तो मैंने टमाटो डाल दिए हैं 2, इस प्रकार से रफली चॉप करके। और खीर भी यहाँ पर अच्छे से बॉयल हो चुकी है, आधे घंटे से बॉयल हो रही है दूध के साथ। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, चिरौंजी और कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। बस यहाँ पर खीर भी बनकर रेडी है साइड में। तो आज का पूरा जो मेन्यू है मेरी बेटी के फेवरेट है, उसको जो जो पसंद है मैंने सब कुछ बनाया है। उसे पनीर की सब्ज़ी पसंद है तो मैंने मटर पनीर बनाया है, पूड़ी उसको पसंद है तो पूड़ी भी बनाई है। इसमें मैंने थोड़े से काजू भी ऐड कर दिए हैं, बस ये ठंडा हो जाएगा तो उसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और उसको समोसे पसंद हैं, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरा थोड़ा सा हेल्प करा रहे हैं, वो थोड़ा सा ऑफिस से फ्री हो गए थे तो वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं समोसे बना रही हूँ, तो समोसे के लिए मैंने ये मसाला बना लिया है। इसमें समोसे की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं बता देती हूँ, इसमें चाट मसाला, गरम मसाला और आमचूर पाउडर, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी, बस यही मसाले हैं इसमें। मैंने थोड़ा सा पानी के साथ उसको घोल लिया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस मैंने वही मसाला इसमें डाल दिया था। एक्चुअली हम लोग शाम को एक पार्क जाने वाले हैं, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हमारे थोड़े से फ्रेंड्स के साथ, मीन्स 2 फैमिली के साथ ही, जिससे हम लोग मतलब मिलते रहते हैं। तो बस हमने उनके साथ ही, अभी हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे हैं और ऐसे हम लोग ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं बिना मास्क के, बट आज मिले थे बिना मास्क के। तो एक पार्क है पास में ही, तो वहाँ पर भीड़ नहीं रहती है, तो हम लोग वहाँ जाने वाले थे। और यहाँ ये है मेरी बेटू का बर्थडे ड्रेस, ये भी हम लोगों ने अभी बर्थडे के लिए स्पेशली ही ख़रीदा था, तो ऑनलाइन ही मंगाया था। और ये इसके साथ क्लिप। तो वहाँ पे समोसे बनकर रेडी हैं, तो एयर फ्रायर में थोड़े से समोसे बना लिए हैं, बकाया समोसे शाम को बनाऊंगी क्योंकि वहाँ जाएंगे। तो पूड़ी, छोले की सब्जी एंड समोसा, केक और खीर, बस मैंने यही बनाया था, तो वहाँ लेके भी गए थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूड़ी बना रही हूँ अभी हमारे लंच के लिए, बकाया मैं शाम को बनाऊंगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए रोटियाँ बनाई थी, बट बेटू के लिए हमने पूड़ी बनाई थी। तो ऐसे इसी प्रकार से पूड़ियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारी बर्थडे गर्ल खेल रही है अकेले, नहा लिया है उसने, तैयार है वो, मतलब कि अकेले प्ले कर रही है। तो बस खाना बन गया है, मटर पनीर की सब्जी भी बनकर रेडी थी, तो बस मैं उसके लिए थाली लगा रही हूँ। तो बस अभी उसको खाना खिला दूँगी, फिर हम लोग बाद में लंच करेंगे। तो बस मैंने दोपहर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, फिर इसके बाद ये शाम का ब्लॉग है, तब हम लोग पार्क गए थे। तो देखिए पार्क पूरा खाली है, अभी कोई जाता आता नहीं है। और ये वीक डे में था, शायद वेडनेसडे को पड़ा था बेटू का बर्थडे, 12 अगस्त को, तो वीक डे में पड़ा था। तो वैसे भी ऑफिस वगैरह रहता है तो कोई नहीं आया था। ये मेरे फ्रेंड है एक, ये हमारे ऊपर ही रहते हैं, मतलब मेरे घर के ऊपर। तो ये हमारे फ्रेंड हैं एक, उनकी लड़की जो है वो बेटू के बराबर ही है, बेटू की फ्रेंड है। एंड देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा पार्क खाली है, कोई भी नहीं आया था। गिर जाने दो। इबा Say happy birthday, बेटू। You both look. Happy birthday. No, say thank you. Thank you. It's your birthday. इसको पसंद आया ना कि? भाई ये पूरे दिन से बस वो गाना ही गा रही है। Hi. Hi. So cute. मारोगे अल्कोहल तो कहाँ बचेगा। हैप्पी बर्थडे बेटू। थैंक यू। ये बेटा डोंट टच। बैलून फट गया उसी। पापा आप भी कर दो प्लीज। हैप्पी बर्थडे बेटू। आयुषी आजा फिर केक काट लेंगे जब।
बस यहाँ पर बेटू का केक कटिंग हो रहा है। कुछ ज़्यादा लोगों को बस दो ही फैमिली बनाए थे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अभी तो हम लोग ज़्यादा किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, ना हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं, घर में ही रहते हैं। कहीं जाते हैं वॉक वगैरह करने तो बिना मास्क के नहीं जाते हैं, और जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ भी नहीं जाते हैं। तो बस इसलिए बस यही है छोटा सा सेलिब्रेशन। तो बेटू को इसके फ्रेंड्स को इसलिए बुला लिया था क्योंकि वो थोड़ा इंजॉय करते, उसको लगता कि उसको अच्छा लग रहा है। बाबू यही मेरे फ्रेंड्स हैं, बस इतना ही, ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन। हैप्पी बर्थडे टू यू। जोशी हैं तुम भी? मेरे पास है, बस यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा सा प्ले किया। और मैं आपको केक दिखाती हूँ, मैंने 3 लेयर का बनाया था, तो 2 वनीला लेयर्स रखी थी और 1 चॉकलेट लेयर रखा था। बहुत ही टेस्टी केक था। तो बस यहीं तक का था ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके लास्ट में मैं थोड़ी सी बर्थडे पिक्स भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।